टिकट। कैसा टिकट? कैसा टिकट? हवाई जहाज का। हवाई जहाज का टिकट यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे? तो किसका मांगना चाहिए? यहाँ तो रेलवे का टिकट मांगना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपको पता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे का टिकट मांगा जाता है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? लाओ दिखाओ। क्या दिखाओ? टिकट आपने बोला ना। टिकट तो नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। कौन सी गाड़ी से आए? गाड़ी से नहीं, रिक्शा से आए। नहीं, रिक्शा रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चलती, पागल मत बनाओ। देखिए भाई साहब, मैं रिक्शा से आया हूँ, घर से आया हूँ, वहाँ बाहर उतरा और यहाँ अंदर आया हूँ। क्या करना? साइट सीइंग? नहीं नहीं, पार्सल लेने के लिए आया हूँ। राजस्थान से मेरे जिया जी हैं, उन्होंने पार्सल भेजा रूई। सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो उसके रजाई वगैरह। ये देखिए, ये बिल्टी है मेरे पास। देखिए। नहीं, वो बिल्टी फिल्टी मत दिखाओ, वो प्लेटफॉर्म टिकट दिखाओ। प्लेटफॉर्म टिकट क्यों? अरे भाई, प्लेटफॉर्म पर खुलेआम घूम रहे हो और पूछ रहे हो प्लेटफॉर्म टिकट क्यों? मतलब मैं तो पार्सल लेने के लिए, तो पार्सल प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो प्लेटफॉर्म पे ही आऊंगा ना। हाँ, मगर पार्सल रूम का रास्ता बाहर से है। क्या? हाँ, लाओ। नहीं, आपके पास 60 रुपए पेनल्टी दो पे। पर मुझे पता नहीं था ना। अब मुझे पता था। क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है। नहीं, मैं रेलवे में टिकट के बिना कभी सफर नहीं करता हूँ। आज तो चले ना। वो तो पार्सल लेने के लिए आया ना। तो प्लेटफॉर्म से क्यों? बाहर से आना चाहिए ना। मुझे पता नहीं था ना। मुझे पता था। सुनिए। बोलो माई। मैं बोल रहा हूँ पीछे से। जी। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा नाम मेरे नीचे दब गया था। पर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी, इस फाइल में प्लान है मेरे घर का, और उसके आगे जो मैं हिस्सा बढ़ा रहा हूँ उसका। जी, अगर आप ये प्लान जल्दी से पास करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये फाइल रख दीजिए, मैं इसको पास कराने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, जाइए। बाबूजी, आप सारा अपने टेबल का ड्रॉअर खोलेंगे? ड्रॉअर? वहाँ क्या है? जब तक घर बनता उसमें लेटने का रहता है क्या? जी नहीं, जी नहीं, कुछ रखना है। क्या रखना है? ये नोट रखना है। नोट? हाँ। मतलब आप रिश्वत देकर मुझे खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। ये तुम जैसे लोग होते हैं जो रिश्वत देकर सरकारी ऑफिसरों का ईमान खरीदते हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा का नाम हमारा धर्म है। उठा भी लो यहाँ से। बताओ यार, हम लोग क्या बिकाऊ हैं? आप मेरा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे भी आपके कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? जी। तो एक काम करो। बताइए। नीचे जाओ। यहाँ नहीं, बिल्डिंग के नीचे। नीचे वह चाय वाला है, कुट्टी चाय वाला। कुट्टी? उसे कोई कप चाय भेज दे। बस सिर्फ एक कप चाय? हाँ, और कहना 2 चम्मच शक्कर डाल दे उसमें। एक कप चाय में 2 चम्मच शक्कर? वाह, क्या देवता है आप। अभी भिजवाता। अरे बाबू, कीमती बाबू, कितने चम्मच शक्कर डालने को बोले? 2 चम्मच बोले हैं। 2 चम्मच? ए इलायची। अपने वो नया कलर का है ना ऊपर, कीमती बाबू, उसको ये चाय देखने का। फटाफट चलो। अच्छा, आप चाय पीते? मैं पूछा, आप चाय पीते? नहीं, मैं चाय नहीं। अच्छा, ये लो आपकी चाय का 1 रुपया। ये क्या देते भाई? चाय के पैसे? ये चाय 1 रुपये वाला चाय नहीं है भाई। फिर कितने की चाय है? 401 रुपया। 401 रुपये की एक चाय? 1 रुपया चाय का, 400 रुपये शक्कर का। मतलब 1 चम्मच 200 रुपया, 2 चम्मच 400 रुपया, 1 स्पून 200 रुपया फिक्स रेट। 420 और मक्कार आदमी है ये, रिश्वत वसूल करने का निराला तरीका निकाला। ऊपर तो बड़ा शरीफ और ईमानदार बन रहा था ये। देखो सर, हाथ का दांत दिखाने का और खाने का और होता है। ऐसे हमारे ऑफिसर लोग का दो मुंह, एक पब्लिक को दिखाने के लिए, दूसरा वाले करने के लिए। आपको चाय नहीं मांगते कोई बात नहीं। अरे इलाज नहीं, रहने दो भाई।